हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्सू गेमिंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम एक पीसी बिल्ड किया था एथलॉन 3000G पे। आप मेरी ये वीडियो देखो एक बार जाके कि कैसे मैंने पीसी बिल्ड किया है और क्या क्या कंपोनेंट मैंने उसमें यूज़ किए हैं। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने जो एथलॉन 3000G पे पीसी बिल्ड किया था उसमें मैंने जो स्टोरेज के लिए जो SSD यूज़ की थी वो एक M.2 NVMe SSD थी। हाँ भाई, जो अपनी एथलॉन 3000G है उसमें आप M.2 NVMe SSD लगा सकते हो। कुछ बंदे बोलते हैं कि नहीं वर्क होता, स्टोरेज शो नहीं होता, तो गाइस ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने एथलॉन में M.2 NVMe SSD लगाओगे तो वो बिल्कुल वर्क होगी। यहाँ पे देखो, मैंने भी एक M.2 NVMe SSD लगाई है मेरे PC में। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लगाई है क्रुशल की M.2 NVMe SSD जो कि 250 GB की है। और यहाँ पे ये देखो, PCIe Gen 3 की है ये SSD। मेरा जो एथलॉन 3000G है उसमें मतलब ओनली मैंने M.2 NVMe SSD का ही यूज़ किया है, HDD नहीं लगाई, और बिल्कुल फाइन मेरी M.2 NVMe SSD चल रही है मेरे एथलॉन 3000G पे। तो कुछ बंदों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनके स्टोरेज शो नहीं होता अगर वो लगाते हैं अपने एथलॉन 3000G पे M.2 NVMe SSD। तो गाइस, ये प्रॉब्लम एथलॉन 3000G के कारण नहीं आती है, इसका कोई और रीज़न होता है। अगर आपको भी अपने एथलॉन 3000G में एक M.2 NVMe SSD लगानी है तो आप बिंदास लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कुछ बंदों को ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है उसके इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो इस वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि हम जो मैंने M.2 NVMe SSD लगाई मेरे एथलॉन 3000G में, तो उसका स्पीड टेस्ट करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और देखेंगे कि कितनी स्पीड मिलती है इस M.2 NVMe SSD से। तो वैसे मैं आपको एक बार अमेज़ॉन का भी दिखा देता हूँ कि इस SSD के स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये क्रुशल की एक M.2 NVMe SSD है 250 GB की, और इसके यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन देख लो। इसकी रीड स्पीड है 2400 MBPS और इसकी राइट स्पीड है 2000 MBPS। तो गाइस, इस टेस्ट को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्मल कंडीशन में इस SSD की स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो मोमेंटम कैच ऑप्शन होता है इसको डिसेबल रखेंगे। ये मोमेंटम कैचे जो सेटिंग है, आपको इस सेटिंग ऑन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि होता है स्टोरेज एग्जीक्यूटिव। मैंने क्रुशल की SSD लगाई है, इसलिए मैंने क्रुशल का स्टोरेज एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। और कंपनी यह क्लेम करती है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसमें जो मोमेंटम कैच ऑप्शन है इसको आप इनेबल करोगे तो आपकी SSD की स्पीड बूस्ट हो जाती है। तो सेकंड पार्ट में हम इस मोमेंटम कैच ऑप्शन को इनेबल करेंगे और फिर SSD की स्पीड टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमें वाकई में कुछ इस SSD के परफॉर्मेंस में कुछ बूस्ट मिलता है कि नहीं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमने एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी SSD या फिर हार्ड डिस्क का स्पीड टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ओनली 4 MB का यह सॉफ्टवेयर है। आपको जब आप डाउनलोड करोगे कि डाउनलोड करने के बाद आपको 80 GB की जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी फाइल्स ओपन होंगी। इन फाइल में से आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये डिक्स मार्क 64 नाम का एप्लीकेशन दिख रहा होगा। इस वाली फाइल को आपको ओपन करना है। जैसे आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी नई विंडो ओपन होगी। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस ऑल टैब पे क्लिक करोगे तो ये टेस्ट चार स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये नेक्स्ट टैब, ये जो टैब है इसमें आप इस टेस्ट का टाइम सेट कर सकते हो। फिर ये टैब की भी कोई कोई इस टैब को आप इग्नोर करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो टैब है इस टैब की मदद से आपको अपने SSD को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने अपने डिवाइस में मल्टीपल स्टोरेज लगाए होंगे तो यहाँ से आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा। मैंने वैसे मेरे डिवाइस में
मेरे पीसी में सिर्फ एक M.2 NVMe SSD लगाई है मैंने 250 GB की, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे C ड्राइव आई है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे है यूनिट, तो जैसे ही आप इस ऑल टैब पे क्लिक करोगे तो ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने टास्क मैनेजर भी ओपन किया है, यहाँ पर भी आपको इस SSD की रियल टाइम स्पीड दिख जाएगी कि कितनी फ्लक्चुएट हो रही है SSD की स्पीड। और यहाँ पे मेरा CPU भी देख लो, मेरे पास 13000G है। तो अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्ट वन में हम नॉर्मल कंडीशन में इस M.2 NVMe SSD का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मोमेंटम कैच जो ऑप्शन है उसको डिसेबल रखेंगे। तो जैसे मैं इस ऑल टैब पे क्लिक करूँगा ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी आपको टास्क मैनेजर में भी दिख जाएगी कि कितनी हमें स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी है यहाँ पे मैंने टेस्ट, और यहाँ पे देखो हमारी मैक्सिमम स्पीड 1.5 GB तक जा रही है, यानी हमारी मैक्सिमम स्पीड 1500 Mbps तक मिल रही है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने एवरेज, इसका मैक्सिमम एवरेज निकाल के हमें यहाँ पे दिया है इस सॉफ्टवेयर ने। कुछ बंदे बोलते हैं कि अगर आप अपने L3000G में एक M.2 NVMe SSD लगाते हो तो आपकी SSD की स्पीड डाउनग्रेड हो जाती है और आपको एक SATA SSD जितनी स्पीड मिलती है। तो भाई देख लो भाई, अगर आप एक SATA की स्पीड देखोगे तो वह 450-450 तक ही सीमित कर रह जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक M.2 NVMe SSD लगाई है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड 2000 Mbps है, इसलिए मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 1500 Mbps तक स्पीड मिल रही है, जिसको अगर मैं SATA SSD की 450 Mbps वाली स्पीड से कंपेयर करूँगा तो 1500 Mbps स्पीड काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखो राइट स्पीड आपको दिख रही है, राइट स्पीड भी हमें यहाँ पर 1500 Mbps तक मिल रही है, जो कि अगर आप एक SATA SSD की स्पीड से अगर आप इस स्पीड को कंपेयर करोगे तो उसके 3 गुना है, और एक काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए मैंने एक M.2 NVMe SSD अपने L3000G में लगाई है। अगर आपको भी एक फास्ट SSD चाहिए तो आप M.2 NVMe SSD बिंदास अपने L3000G में लगा सकते हो। तो ऐसे ही एक एक करके जितने भी 8-9 मेरे को रिजल्ट मिले हैं इस टेस्ट को करने के बाद, नॉर्मल कंडीशन में मोमेंटम कैचर ऑप्शन डिसेबल रखने के बाद, तो वो सभी रिजल्ट में आपको आगे दिखाऊंगा कि हमें कितनी स्पीड मिलती है मैक्सिमम और कितनी SSD हमारी स्टेबल रहती है। यहाँ पे देखो फास्ट फॉरवर्ड में मैं यहाँ पे सभी टेस्ट कर लेता हूँ। तो अब हम अपनी इस टेस्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम जो मोमेंटम कैच ऑप्शन है उसको इनेबल करेंगे। और कंपनी यह क्लेम करती है कि अगर आप मोमेंटम कैच ऑप्शन इनेबल कर लेते हो तो आपकी एसएसडी की स्पीड में आपको परफॉर्मेंस में इंक्रीज मिलता है, बूस्ट मिलता है। तो इस मोमेंटम कैच ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको एक स्टोरेज एग्जीक्यूटिव नाम का एक सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास क्रूशियल की ही कोई और SSD होगी तो आप क्रूशियल का स्टोरेज एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस सॉफ्टवेयर की लिंक दे रखी है, आप उस साइट पे जाके वहाँ से ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना। आपको ऐसी 250 GB की जिप फाइल मिलेगी, उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल भाई आसानी, आप जैसे जैसे वो स्टेप बोल रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाओ और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना। और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मोमेंटम कैच नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करो। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक टैब मिल रहा है जहाँ पे लिखा है इनेबल मोमेंटम कैच, तो आपको इनेबल पर क्लिक कर देना है। इनेबल क्लिक पर क्लिक करने के बाद इसको ओके करना है और हमारा पीसी अब रिस्टार्ट होगा।
तो हमारा पीसी रिस्टार्ट हो चुका है और हम अब हमारे इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हमारा जो मोमेंटम कैच ऑप्शन है वो अभी फिलहाल इनेबल है। अब देखेंगे अब हमें क्या स्पीड मिलती है। तो आप देखो भाई, हमारी जो हमें अभी स्पीड मिल रही है वो करीब करीब 2000 Mbps तक टच हो चुकी है। पहले जो हमने नॉर्मल कंडीशन में स्पीड टेस्ट की थी तो हमारी मैक्सिमम स्पीड 1600 Mbps तक जा रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी हमें स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है। जो रीड स्पीड हमें अभी मिल रही है वो 2000 Mbps तक हमें मिल रही है। तो दोनों टेस्ट को हमने कर लिया है और दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख लो कि हमने जब मोमेंटम कैच ऑप्शन को इनेबल कर लिया तब हमारी SSD की स्पीड में हमें काफ़ी बूस्ट मिला और हमारी SSD की मैक्सिमम स्पीड 2000 Mbps तक चली गई थी। लेकिन जो मोमेंटम कैच ऑप्शन इनेबल करने का मेरे को डिसएडवांटेज लगा कि हमारी जो राइट स्पीड है उसमें हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन मिली और हमें जो राइट स्पीड है हमारी जो राइट स्पीड थी वो काफ़ी डिक्रीज हो रही थी जब हमने मोमेंटम कैच ऑप्शन को इनेबल कर लिया था। और जो जो मैक्सिमम स्पीड थी, जो रीड स्पीड थी हमारी, वो हमें अच्छी खासी मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसको हमारे जो नॉर्मल कंडीशन से कंपेयर करेंगे जहाँ पे हमने मोमेंटम कैच ऑप्शन को डिसेबल रखा था, तो उसके मुकाबले तो हमारे यहाँ पे रीड स्पीड अच्छी तो मिल रही है लेकिन राइट स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिल रही। और जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में है वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हमें 1600 Mbps तक मिल रही थी और जो नॉर्मल कंडीशन में हमारी SSD काफ़ी स्टेबल रही थी और हमें राइट स्पीड भी हमें काफ़ी अच्छी खासी मिल रही थी नॉर्मल कंडीशन में। तो मेरा ओपिनियन इस बार इस टॉपिक पे मेरा ओपिनियन यह है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करने वाला और इस मोमेंटम कैच ऑप्शन को डिसेबल करने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पेस ले रहा है। 300 MB आपके PC में स्टोरेज ले लेता है और ये इसमें आपको राइट स्पीड भी काफ़ी फ्लक्चुएट होती है इसमें। तो देख लो आपके सामने सभी रिजल्ट। आपको अगर आपके पास भी एक स्टोरेज क्रूशियल की SSD है तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी SSD की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो मंडे से आने वाला है Apex Legends Mobile, तो हम उसके गेम प्लेस लाने वाले हैं आगे की वीडियो में।